हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी नॉलेज अड्डा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीतापुर के हेल्थ केयर के इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सीतापुर जिला अस्पताल, इसकी स्थापना 1857 की घटनाओं के तुरंत बाद एक सिविल डिस्पेंसरी के रूप में की गई थी। फिर 1869 में इस डिस्पेंसरी को विस्तारित किया गया और आज ये जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये एकमात्र अस्पताल है जिसे 2011 में यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ था और 1890 में इसी के सामने पुरुषों के लिए जिला अस्पताल स्थापित किया गया, जिसे 1947 से पहले इसे डफरिन फंड द्वारा पोषित किया गया था। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली, जिले में 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 468 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कई सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल और सरकारी आयुर्वेदिक या यूनानी हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। सीतापुर में स्थित आई हॉस्पिटल पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जिसे 1926 में खैराबाद के डॉक्टर महेश प्रसाद महेराय ने बनवाया था, जिसकी प्रेरणा उन्हें नेत्र रोगियों की पीड़ा से मिली थी। धीरे धीरे उन्होंने नेत्र कार्य में अधिक से अधिक रुचि लेना शुरू कर दिया और फिर आसपास के प्रांतों से नेत्र रोगियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। इस हॉस्पिटल में जांच और उपचार के लिए नवीनतम उपकरण हैं। ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सुसज्जित नेत्र हॉस्पिटल में से एक है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।